हेलो फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ गियरिंग, उसमें स्लाइडिंग वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड नहीं करी थी। तो स्लाइडिंग वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना है कि जिस पॉइंट पे ये सारा डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में समझाया हुआ था, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे अगर हमको स्लाइडिंग वेलोसिटी चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, वी एस इज इक्वल टू वी सी टू साइन अल्फा माइनस वी सी वन साइन बीटा, वी सी टू साइन अल्फा माइनस वी सी वन साइन बीटा। देखिए, वी सी टू साइन अल्फा और वी सी वन साइन बीटा ये है क्या, इस वी सी वन और वी सी टू का साइन कंपोनेंट है, और जब ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी इस दोनों वी सी वन और वी सी टू में डिफरेंस होगा तभी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, और जब रिलेटिव वेलोसिटी होगी तभी दोनों टीथ के बीच में स्लाइडिंग होगी, नहीं तो स्लाइडिंग मोशन नहीं होगा। तो स्लाइडिंग मोशन के लिए वी एस जो निकलेगा वी सी टू साइन अल्फा माइनस वी सी वन साइन बीटा। तो जब वी सी वन साइन इसको हम लोग देखते हैं, एक्सपेंड करते हैं, वी सी टू को क्या लिख सकते हैं, ठीक प्रीवियस की तरह ओ टू सी इंटू ओमेगा टू, और साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, वी सी टू साइन अल्फा, सॉरी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा के लिए, क्योंकि जो बीटा है वो सरफेस टू के लिए एंगल है, तो ये साइन बीटा माइनस साइन अल्फा करेंगे तो ये सरफेस वन के लिए। तो साइन बीटा की वैल्यू आप इस ट्रायंगल से निकालेंगे तो वो आएगी कुछ एन सी डिवाइडेड बाई ओ टू सी माइनस वी सी वन साइन अल्फा, इसी तरह निकालेंगे तो आएगा सी एम डिवाइडेड बाई ओ वन सी इंटू ओमेगा वन, यहां से आ जाएगा सी एम डिवाइडेड बाई ओ वन सी यहां से कट जाएगा, ओ टू सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा ओमेगा टू ब्रैकेट में एन सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी प्लस पी एन पी सी प्लस पी एन माइनस ओमेगा वन को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ओमेगा वन इंटू सी एम, सी एम को क्या लिख सकते हैं, एम पी माइनस सी पी, एम पी माइनस सी पी लिख सकते हैं। यहां से देखिए ओमेगा टू पी सी प्लस ओमेगा टू पी एन माइनस ओमेगा वन एम पी माइनस माइनस प्लस ओमेगा वन सी पी, सी पी या पी सी दोनों सेम है, तो यहां से पी सी और ये पी सी कॉमन ले लें, तो यहां पे आ जाएगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू पी सी प्लस ओमेगा टू पी एन माइनस ओमेगा वन एम पी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक रिलेशन डिराइव किया था, ओमेगा वन डिवाइडेड बाई ओमेगा टू इज इक्वल टू आ जाएगा पी एन डिवाइडेड बाई पी एम, ये रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया था। तो इस रिलेशन से हम यहां पे निकाल लेंगे ओमेगा वन इंटू पी एम इज इक्वल टू ओमेगा टू इंटू पी एम, ये दोनों वैल्यूज सेम है, ये दोनों वैल्यूज सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्लाइडिंग वेलोसिटी जो आती है वो आ जाएगी ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू पी सी। नाउ लॉ ऑफ गियरिंग यहां पे आके कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ टीथ, दो फॉर्म्स होते हैं जनरली, साइक्लोइडल फॉर्म्स और इन्वोल्यूट प्रोफाइल, दो प्रोफाइल होती है टीथ की, और दोनों प्रोफाइल से जनरेट होती है टूथ की प्रोफाइल। तो देखते हैं सबसे पहले साइक्लोइडल प्रोफाइल और इन्वोल्यूट प्रोफाइल होता क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं। पहला,
cycloidal प्रोफाइल। साइक्लोइडल प्रोफाइल क्या होता है कि हमने जब कैम पढ़ा था तो उसमें साइक्लोइडल मोशन के बारे में बताया हुआ था। साइक्लोइडल मोशन क्या होता है कि जब स्ट्रेट लाइन पे कोई एक सरफेस कर कोई एक स्फीयर या कोई एक सर्कल विदाउट स्लिपिंग रोल करता है, और इस सर्कल पे अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें और उस पॉइंट के पाथ को अगर हम ट्रेस करते जाएं, तो जो पाथ ट्रेवल करता है ये पॉइंट, इस पाथ को बोलते हैं साइक्लॉइड। इतना क्लियर है? तो जब इस यहां पर देखते हैं कि साइक्लॉइडल प्रोफाइल कैसे जनरेट होती है, ये स्ट्रेट लाइन ना होकर एक होता है ये कर्व्ड सरफेस, एक बिग सर्कल, एक बिग सर्कल हम ले लेते हैं और इस बिग सर्कल के अंदर एक सर्कल को हम ड्रॉ कराते हैं, सर्कल को हम रोटेट कराते हैं विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग जब इस सर्कल को रोटेट कराएंगे, सर्कल यहां पर कॉन्टेक्ट में आया हुआ है, तो ये पॉइंट जिस तरह से पाथ, जिस पाथ पे वो ट्रेवल करता है उस पाथ को हम ट्रेस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए तो ये जो सर्कल को हम रोटेट कराएंगे विदाउट स्लिपिंग इस डायरेक्शन में, तो ये सर्कल कुछ देर बाद यहां पर होगा, सेम सर्कल फिर कुछ देर बाद ये सेम सर्कल यहां पर होगा, और जहां से इस पॉइंट को एक फुल रिवॉल्यूशन करने में ये सर्कल यहां पहुंच गया है, ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ था, ये घूम के फिर से इसी पॉइंट पे आ गया है। तो जब इसका एक फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो इस सर्कल को हम इस बड़े वाला जो सर्कल है उसके ऊपर रख देते हैं। ऊपर रखने के बाद फिर इसको रोल कराते हैं, और रोल कुछ इस तरह से कराते हैं विदाउट स्लिपिंग। जब विदाउट स्लिपिंग इसको ऊपर के सरफेस पे रोल कराते हैं, तो ये पॉइंट जो पाथ ट्रेवल करता है उस पॉइंट को भी, उस पाथ को भी ट्रेस करते चले जाते हैं। हम लोग ये सिचुएशन हमने बनाई है कि इसको हम रोटेट कराए ए फुल रोटेशन बाद, जैसे यहां पहुंच गया इसको फिर से इस बड़े वाले सर्कल के ऊपर रख के रोटेट कराए, और फिर उसी सेम पॉइंट पे पाथ को ट्रेस करते चले गए। तो जो पाथ हमको मिलता है वो पाथ कुछ इस तरह से मिलता है, अगर इसको हम बहुत ही स्मूथ बनाएंगे, क्लियरली बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से पाथ और जैसे ही ये सर्कल यहां पे आ गया है, इसके बाद हम इस बड़े वाले सर्कल के फिर से इस सर्कल को इनसाइड और फिर से रोल कराना स्टार्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में, तो ये कुछ इस तरह से पाथ आपको मिलता है। तो ये जो कर्व मिला हुआ है ये वाला, इसी प्रोफाइल पे हम टीथ की प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं, और इस तरह की जो प्रोफाइल जनरेट होती है उसको बोलते हैं साइक्लॉइडल प्रोफाइल। और अब जब साइक्लॉइडल प्रोफाइल में यहां पर देखिए, इनसाइड द बड़े वाले सर्कल के भी इनसाइड एक सर्कल को रोल कराए हैं और ऊपर इसके आउटसाइड एक सर्कल को रोल कराए हैं। तो ये जो सर्कल इनसाइड है इसको बोलते हैं, यहां से यहां तक जो ज्योमेट्री बनेगी टूथ की, इसको बोलते हैं हाइपोसाइक्लॉइड, और इस सर्कस के ऊपर जो ज्योमेट्री बनती है उसको बोलते हैं ईपी साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइडल प्रोफाइल में जो टीथ की प्रोफाइल बनती है वो, ये जनरली पिथ सर्कल होता है टीथ का, तो टीथ का जो अपर पोर्शन होता है एडेंडम वाला पोर्शन होता है वो ईपी साइक्लॉइड से बनता है, और जो डिडेंडम वाला पोर्शन होता है वो बनता है हाइपोसाइक्लॉइड से। तो इस तरह से बनता है साइक्लॉइडल प्रोफाइल। और आगे डिस्कस करते हैं इनवोल्यूट टीथ प्रोफाइल।
इन्वोल्यूट टी प्रोफाइल में क्या होता है कि एक सर्कल लेते हैं जो कि बेस सर्कल है, ठीक है, एक बेस सर्कल लिया। इन्वोल्यूट कर्व क्या होता है कि जैसे कोई एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर हम चार कोऑर्डिनेट्स, इस चार कोऑर्डिनेट्स को, एक कोऑर्डिनेट को ले लिया हमने, इस कोऑर्डिनेट को चार पांच भागों में बांट दिया है, कट कर दिया है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, इस पांच भागों में जब इसे कट कर दिया है तो हर एक पॉइंट से, हर एक जैसे वन से भी हमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टू से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, थ्री से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फोर से भी और फाइव से भी, जब ये सारे टेंजेंट ड्रॉ हो जाते हैं और इसके डिस्टेंस की, जैसे यहां से लेके जो ये वाली डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मेजर करके इस पॉइंट पे कट करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको मेजर करके दूसरे वाले टेंजेंट पे कट करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको मेजर करके इस पे कट करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको मेजर करके यहां पे कट करेंगे, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मेजर करके यहां पे कट करेंगे, और सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो जो प्रोफाइल बनती है, जो प्रोफाइल बनती है, इस प्रोफाइल को बोलते हैं इन्वोल्यूट प्रोफाइल। तो इन्वोल्यूट प्रोफाइल से इससे हम कैसे गियर की डिजाइन करते हैं, आप इसको एक तरह से और समझ सकते हैं कि एक बेस सर्कल है, एक बेस सर्कल है, इस बेस सर्कल में हमने क्या किया कि एक रस्सी, एक स्ट्रिंग बांध दी है, और स्ट्रिंग बांधने के बाद इसे एक पॉइंट, एंड पॉइंट से हमने इसको पकड़ा, एंड पॉइंट से पकड़ने के बाद अब इसको अनवाइंड करना है। अनवाइंड मतलब पहले लपेटा हुआ था, अब इसको हम ओपन कर रहे हैं, टाइटली ओपन कर रहे हैं, और इस पॉइंट को पकड़ के जब हम इस रस्सी को ओपन करेंगे इस सर्कल से, तो जो ये पॉइंट पाथ ट्रेस करेगा उस पाथ को बोलते हैं इन्वोल्यूट पाथ, और उसपे जो प्रोफाइल ड्रॉ होती है वो होती है इन्वोल्यूट प्रोफाइल। तो इसमें हम देखते हैं कि जो गियर की टीथ बनेगी वो इस तरह से ओपन होता है, तो ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं सारे को मिलाने के बाद हमको टीथ की प्रोफाइल मिलती है, और आप देख रहे हैं यहां पर एक सिंगल सर्कल से ही इस टीथ की पूरी प्रोफाइल बनी हुई है। और साइक्लोइडल प्रोफाइल में क्या था कि जो टीथ की प्रोफाइल मिल रही थी वो दो सर्कल से मिल रही थी, तो जब यहां पे सिंगल सर्कल से ही ये टीथ की प्रोफाइल मिली हुई है तो ये जो होता है वीकर होता है इन कंपेरिजन टू साइक्लोइडल प्रोफाइल। तो इस तरह से हम लोग टीथ की डिजाइन करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रोफाइल ऑफ टीथ, दैट इज साइक्लोइडल प्रोफाइल एंड इन्वोल्यूट प्रोफाइल। थैंक यू।